आरोग्य जागृति औरंगाबाद शहरामधील वर्तमानपत्रामध्ये एक चांगलं नाव असलेलं आरोग्य जागृती याच्या माध्यमातून आणि डॉक्टर अफसर शेख यांच्या सहकार्यातून होल्डिंग हँडचे संस्थापक अध्यक्ष सुरेश शिरशीकर यांची आपण मुलाखत घेणार आहोत. सुरेश शिरशीकरांनी पहिल्यांदा एक प्रश्न विचारू इच्छितो की आपण ही जी संघटना संस्था स्थापन केली आहे या आधी आपला प्रवास कसा झाला त्याच्याबद्दल थोडक्यात माहिती द्या. नमस्कार. एक्चुअली मैं बापुर से एक छोटे से शहर से हूँ. एक काम की मेरा एजुकेशन वहाँ पर हो गया, जो भी प्राथमिक जो एजुकेशन है मेरा वहीं की हो गया. उसके बाद में मैं दसवीं के बाद में लातूर छोड़ दिया, यानी कि वहाँ का एजुकेशन ये हो गया. बाद में उच्च शिक्षा के लिए मैं औरंगाबाद पुणे ऐसा चलता रहा. तो जब बचपन से ऐसा मुझे लगता था कि यार वैसे तो मेरे एडमिशन्स कुछ अलग थे कि घर की भी इच्छा थी कि मैं फिल्म लाइन में कुछ करूं ये वो. उनको लगता था शायद मेरा चेहरा अच्छा हो ये वो. तो मैं तो मुझे घर वालों ने मुझे ऐसी जगह देखी जहाँ पे कुछ एजुकेशन हो फिल्म के लिए. मैंने ड्रामेटिक्स किया, उसने पीजी किया. फिर उसके बाद में फिर मुंबई चला गया. लेकिन ये चलते टाइम मुझे ऐसा लगता था कि अब कि जब न्यूज़ पेपर भी पढ़ता था सारी चीज़ें ये वो होना चाहिए ये भी होना चाहिए. लेकिन अंदर एक था कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए, समाज के लिए कुछ होना चाहिए. फिर भी उसने बिजी शेड्यूल इंडस्ट्री में मेरा चल ही रहा था माइंड में, वो भी चलता था. लेकिन वो टाइम में बहुत ही बिजी था तो मैं वो चीज़ कर नहीं पाता था. लेकिन फिर भी जो जितना होता है वो मैं करने की कोशिश कर रहा था. उसके फिर जब लॉकडाउन आ गया और फिर उसके पहले अपना जो नोटबंदी जो हो गया था उसके पहले मैं एक संस्था में ज्वाइन हो गया था. क्योंकि उसके बाद में मैंने सोचा था कि अपना अलग सा प्रोडक्शन बना लूँ, एक अपना प्रोडक्शन हाउस बना लूँ. एक पुणा में भी एक जगह मैंने अपनी फैक्ट्री का भी मैंने सोच लिया था. क्योंकि शादी होने के बाद मुझे सोचा कि अभी ये चीज़ें जो है प्रोडक्शन हाउस निकालो और फिर ये अपना एक कोई एक रख लो, ठीक है. तो मैं उससे थोड़ा सा ये फ्री हो जाऊंगा, कोई और काम करेंगे जब मेरा जरूरत हो तभी मैं वहाँ पर चला जाऊँगा. ये सोच के फिर मैंने सोशल काम के लिए मैंने अपना टाइम दे दिया. जैसे कि वहाँ से फिर मैंने शुरुआत की, एक पहले संस्था से शुरुआत की थी. उसके बाद में वहाँ पे यानी कि 7 साल 5-6 साल वो करने के बाद में मुझे ऐसा एहसास हुआ कि यार अपना भी खुद करना चाहिए. तो उसमें हम जब खुद करते हैं तो उसमें बहुत सारी यानी कि करने के लिए बहुत सारी ये रहती है चांसेस रहते हैं. जब हम किसी और खुद करते हैं तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन की तरफ करना पड़ता है, तो हम वो कर नहीं पाते जो हमें अपने कर पाए. तो मैंने होल्डिंग हैंड्स काम किए, जो संस्था स्थापन की. और पहले मैंने कुछ काम किए हैं, कुछ अच्छा कुछ काम करके अच्छा कुछ लोगों के पास मेरा अच्छा नाम चला गया था. तो फिर तो जल यानी यानी कि कम ही समय में इतना यानी कि ये हो गया होटेलियंस का कि हमारे अभी राज्य में राज्य भर हमारे ब्रांचेस हैं. यानी कि राज्य के बाहर भी, स्टेट के बाहर भी, पंजाब में अपनी 3 शाखाएं हैं, कर्नाटक में अपनी शाखा है, अभी दिल्ली में शाखा बनी हुई है हमारी, गोवा में शाखाएं हमारी. अभी जस्ट अभी आज के अखबार में पंजाब के गुरदासपुर के अखबार में, तो दैनिक भास्कर में अपनी न्यूज़ आई है वहाँ पे होल्डिंग एंड उसके. तो बहुत ही कम समय में इतना पॉपुलर हो गया, ये तो मैंने भी कभी सोचा नहीं था. लेकिन आप लोग सारे आप लोगों के सहयोग से यानी कि 4-5 स्टेट में चला गया, ये बहुत ही अच्छी बात है. सुरेश शिरशीकर, तुमच्या प्रवासाबद्दल तुम्ही सांगत असताना तुमच्या त्याच्यामध्ये 3 गोष्टी काही उल्लेख झालेले आहेत की तुम्ही नाट्यसृष्टीशी संबंधित होतात, चित्रपटसृष्टीशी संबंधित होतात, आणि हे करत असताना तुमच्या याच्यामध्ये काहीतरी सामाजिक काम करण्याची इच्छा निर्माण झाली होती. परंतु नाट्यसृष्टी आणि चित्रपटसृष्टी ही आकर्षित करणारी संपूर्ण आपल्याकडे ज्याला आकर्षित करणारी केंद्र म्हटलं जातात हे केंद्र सोडून तुम्ही या संघटनेमध्ये किंवा सामाजिक कामामध्ये आला, याच्यापाठी नेमकी भूमिका तुमची काय होती?
एक्चुअली देखा जाए तो वो अंदर से यानी कि बचपन से एक आंतरिक एक होता है, एक नेचुरल एक अपना स्वभाव होता है। वैसे इच्छा तो थी कि इंडस्ट्री में कुछ करूँ, कुछ काम करूँ, ये वो, ताकि कुछ कुछ बन जाऊँ। क्योंकि हमारे कृषक गुरुवर की एक मुलाकात देखी थी मैंने, आई थी मेरे ख्याल से डीडी पे कुछ आई हुई थी, बचपन में देखा था कि वो उनके उनका मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ उस चीज़ का। उन्होंने बोला था कि गुलशन ग्रोवर जो है, जब पैदा हुआ तो लोगों को पता नहीं, लेकिन अभी मरने के बाद पता चलेगा दुनिया में गुलशन ग्रोवर था। मैं तो अगर नहीं पता चलेगा तो हमारी लाइफ जो है कीड़ों मकोड़े की तरह जितना जिए और कम मरे, अभी दुनिया में कितने लोग पैदा होते हैं, कितने लोग मर जाते हैं, कुछ लोग ही याद रहते हैं। तो कुछ लोग जो चंद याद रहते हैं उसमें से कुछ याद रहना था मुझे। तो मैंने फिल्म इंडस्ट्री वैसे मुझे उसका मुझे अभी भी अट्रैक्शन है, वो टाइम भी अट्रैक्शन था बचपन में। मैं अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन था, अभी भी उनका फैन हूँ। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अमिताभ बच्चन जैसा कुछ ऐसा ये वो सब चीज़ें करूँ, ठीक है। वैसे घर से भी सपोर्ट था कि उनको भी लगता था कि सुरेश कुशिकर यानी कि अपना बेटा हैंडसम लगता है तो चलो एक्टर बनाएंगे कुछ करेंगे, ठीक है। उतना वहाँ पर उतना ज़्यादा काम तो किए बहुत सारे, लेकिन उतना ज़्यादा यानी कि उतना पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन इंडस्ट्री में जो जहाँ में मैं काम करता हूँ लोग जानते हैं। अच्छे अच्छे बैनर में काम किया, जैसे केतन मेहता के पास काम किया, फिर आपने बालाजी में था, ठीक है। तो ये सफर तो था, लेकिन ये सब चलते चलते मुझे थोड़ा सा जब मैं ये देखता हूँ समाज की तरफ से तो ऐसा लगता है कि कुछ वहीं भी एक दो बच्चों को मैंने यानी कि अडॉप्ट तो नहीं किया था, लेकिन उनको उनके एजुकेशन का दो बच्चों में साइड में ऐसा उनका ये किया था, एजुकेशन का खर्चा किया था। उसके बाद में उनको सर्विस पे भी लगा दिया, फिर उसके बाद में अभी उससे मेरा कोई संपर्क नहीं है। लेकिन समस्या वही होती है जो बाद में हम ऐसा नहीं कि उनसे हमें कुछ चाहिए बराबर। गुलशन ग्रोवर की प्रेरणा तुम्हें मिले थे ऐसे तुमसे भूलने में जाते थे, आणि गुलशन ग्रोवर से तुम्हें एक अनुभव तिथपर्यंत आलो आहे। तुमचे आधी माझे संबंध जवळपासून आहेत, तेव्हापासून मला एक माहीत आहे की आपण पहिल्यांदा जे होते अक्षय मानवमध्ये काम करू शकतो। या अक्षय मानवमध्ये तुम्ही काम करत असताना त्यावेळची परिस्थिती आणि आत्ताची परिस्थिती याचा तुलना करून तुम्हाला विचार केला जातो कसा करत तुम्ही? अभी कंपेरिजन तो हो नहीं सकता, क्योंकि अक्षर मामलों में भी हमने जो काम किए अच्छे काम किए, वहाँ भी अच्छे काम किए, वहाँ भी लोग अच्छे थे। बस मुझे थोड़ा सा और भी कुछ अपने तरीके से कुछ करना था, क्योंकि अगर हम किसी चेस्ट से किसके काम करते तो उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, और हमें कुछ अलग कुछ हमारे अंदर थे कि हमें कुछ ऐसा करना है। तो मैं अलग कुछ करने के लिए अपने मेरे हिसाब से जो करना है तो जो प्रसंग है वो सबके साथ आते हैं, दुनिया में आपके साथ भी आए होंगे, बाकी लोगों के साथ सबके साथ वो आते रहते हैं। तो वो रखे ऐसा देखो, हमें हमारा फोकस होना चाहिए, हमारा बेस्ट जाना चाहिए, बेस्ट के ऊपर फोकस रखना चाहिए हमें, ऐसा तो मुझे लगता है। मैं हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, बाकी अच्छे और बुरे जो प्रसंग आते हो तो सबकी लाइफ में होते, तो अगर वो देखते हुए बैठेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे। एक्चुअली होल्डिंग हैंड्स नाम जो है बहुत ही अच्छा नाम मिला है। हम जब बैठे थे कि कुछ नाम देंगे वो करेंगे, बहुत सारे नाम आए, लेकिन ऐसा कुछ क्लिक नहीं हो पा रहा था कि कुछ ऐसा नाम आए। एक हमारी
संस्था की सचिव है अपर्णा मेघवाल, उनकी एक बच्ची है अभी आई थिंक अमेरिका से सिक्स्थ या सेवन्थ में कुछ है, तो उसने बोला मम्मी होल्डिंग हैंड्स कैसे लगेगा। तो जैसे उसने मुझे बोला होल्डिंग आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, हाथ में हाथ देके काम चलो, क्योंकि अपना भी वही है हाथ में हाथ लेके चलना है, कोई यहाँ पे कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं है, हमें बस एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़ के काम करना है। तो मुझे वो नाम बहुत ही अच्छा लगा, मैंने धर्मादाय में उसका रजिस्ट्रेशन किया तो नाम भी मिल गया, तो बोले बहुत ही अच्छी बात है। तो इसका रिश्ता ज्यादा कि अपना मेहता कि हमारी जो सचिव है होल्डिंग हैंड्स की, उसका नाम जो बच्ची है उसका नाम मैं यहाँ पे जान पूछ कर उसका नाम लेना चाहता हूँ, क्योंकि उसने ये नाम लिया और हमें एक अच्छा लगा। उसका नाम है मृदल मेहता, जो कि उसको मान्या बोलते हैं। पुढच्या भविष्यामध्ये नेमकं काय काय करत आहे, तुमच्या मध्ये आरोग्य आहे, शिक्षण आहे, स्वच्छता आहे, पर्यावरण आहे, हे संपूर्ण तू 5-6 विषय घेतलेले आहे, या विषयाला हाताळताना सध्याची स्थिती जी आहे त्या स्थितीला सामोरं जाताना अडचणी मोठ्या प्रमाणात येणार आहे, पण हे मात करताना तुम्ही काही काही मनामध्ये विचारणं केलं असतील तर संकल्प नेमके काय काय करतो सुद्धा देखा जातो। काम तो देखो जितना भी काम करे वो कमी है, चाहे हेल्थ में काम करो, एजुकेशन में काम करो या कल्चरल में काम करो, काम कभी खत्म नहीं होता, काम बढ़ते ही रहता है, हमारी जिम्मेदारी जो है बढ़ती रहती है। कोशिश कर रहे जितना हो सके उतना जितना हम जितना हो सके जितना दे सके जितना कर सके उतना हम 100% हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ लोग भी जुड़े हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, जैसे कि अपने हमारे उपाध्यक्ष रविंद्र बंदर है, फिर वर्षा जैन है, किरण वनगुजर है, सोना वनगुजर है, मंगला महाजन है, स्वर्ग तिलपुरगे है, ये बहुत बहुत अच्छे मेंबर्स मिले जो इतने एक्टिव इतने अच्छे तरह से काम करते हैं। तो इनके एक्चुअली सुरेश रेशर कोई बड़ा नहीं है, सुरेश रेशर को यही लोग ने बड़ा किया। तेव्हा या जनताविरोध होत असताना सगळ्यात जास्त पुरुषांना जे स्थान दिलेलं असतं, पण तुमच्या संस्थेमध्ये एक वेगळं असं वाटतं की तुम्ही महिलांना स्थान दिलेलं आहे, त्या महिलांचं स्थान देण्याच्या पद्धतीची भूमिका नेमकी काय? ॲक्च्युली स्थान दिलं गेलं नाही आहे, ॲक्च्युली योगायोगाने हे स्थान बनलेलं आहे, क्योंकि हमारे संघटन में भी काम कर रहा था पिछले संघटन में, क्योंकि मेरे साथ महिलाएं ऑलरेडी जुड़ चुकी थी, और जहाँ क्या होता है जहाँ पे हम महिलाएं कौन से संगठन में चली जाती हैं, महिलाओं का अगर दिखता है ना कि ये जगह अपने लिए सिक्योर है, जब वो सिक्योर फील करो तो महिला अपने आप जुड़ जाती है। और अभी मेरे ये मुझे इतना अच्छा लगता है कि ऐसा कोई भी संगठन नहीं होगा जो हम जो अभी होल्डिंग हैंड्स जो भी संगठन होगा कि इतने महिलाएं जुड़े नहीं होगी, क्या हमारे इसमें आई थिंक मेरे ख्याल से 60% तो महिला ही होगी, ये बहुत ही अच्छी बात है, ये मेरे किस्मत की बात है, पता नहीं कौन सी बात है, लेकिन महिलाएं बहुत जुड़ी है और हमारी इसमें सिक्योर है, उनको सिक्योर फील होता है, इस यही खासियत है क्योंकि हम ही यहाँ पे महिलाओं के लिए सिक्योर। और दूसरी बात है कि वो एक्टिव हैं, इसलिए वो एक्टिव है, इसलिए उनको जो भी हमने पद दिए हैं जिलाध्यक्ष हो या एजुकेशन हेड हो या गवर्नमेंट ये हो, अभी सस्मिता मोहन ने भी अच्छा काम किया, उनको उनको मैंने पर्यावरण का, तो उनको पर्यावरण प्रमुख बना दिया, और हमारे मंगला महाजन जो है राज्य के प्रमुख है, सुविधा कलपुर के जो है एजुकेशन के राज्य के प्रमुख हैं, तो ये इनके और ये जुड़े हैं, वो सिर्फ यानी उनको अच्छा लगे इसलिए वो भी खूब होते काम करने शुरू कर दे, तो उनको ऐसे पद मिल गए। और मुझे पत्र अभिमान है कि यहाँ महिलाएं हमारे पास हमारे विजय को सुरक्षित और उनको होल्डिंग हैंड्स अपना लगता है। चार ओवी दिले थे और चार ओवी तुमच्या या संपूर्ण कार्यप्रणालीसाठी कदाचित महत्त्वपूर्ण ठरू शकते, तुमचा विचार जो आहे तो संपूर्ण तुमच्या होल्डिंग हँड्सवर केंद्रित आहे, की समाजातील सर्व प्रकारातील माणसांना जातीच्या पलीकडे जाऊन त्यांचा धर्म न पाहता जाती न पाहता एकत्र करून हाताहाताने हात मिळवून आपल्याला जे काही समाजकार्य करता येईल त्या समाजकार्यासाठी तुमच्या याच्यासाठी चार ओळी अशा आहेत
की माणसाने माणसाला एकदा जाणून घ्यावे, दूरच्याही माणसाला आपले जाणून घ्यावे। हा इथे बाजारचाली दोन जाणाऱ्या माणसांच्या मौनधारी माणसाला एकदा समजून घ्यावे। तुमचा हा जो प्रचार प्रसार चालला आहे तो कदाचित प्रचाराविषयी संबंधित असल्या कारणामुळे तुमच्या मनामध्ये असणारी जी चेतना आहे, जी प्रेरणा आहे, जी भावना आहे, त्या अत्यंत मोठ्या प्रमाणामध्ये यशस्वी होती। तुम्हाला या निमित्ताने सदिच्छा देतो, तुमचं अभिनंदन करतो। धन्यवाद। आरोग्य जागृती।